ये जो कश्मीर दे ब्राह्मण उतो चल के आए तो उन्होंने औरंगजेब सुनेहा दिता भाई पहला तुसी गुरु तेग बहादुर नू मुसलमान बना लो जो बन जाएंगे तो फिर असी सारे बन जाएंगे। तो उन्होंने कहा असी रवानगी कश्मीर तो कर रहे हैं तो असी नौवें पातशाह गुरु तेग बहादुर दे दर्शन ले जा रहे हैं अगो जिमें हुक्म करे उस तरह करा तो जिमें जिमें हूँ भी जथे चलते ने ना तो CID वाले उन्हों का पिछा पुछा करते रहते ने आप कहने जी रेड अलर्ट जारी करती जो कश्मीरी ब्राह्मण उतों चले क्योंकि वो बड़े वड़े विद्वान पंडित सन इस करके उन्होंने पहला हथ पाया सी औरंगजेब ने भाई जे ये बन गए क्योंकि वह वेदा के पाठी सन बड़े विद्वान लोग सन तो फिर बाकी खलकत भी इस्लाम कबूल कर लेगी। तो इतने एक रेड अलर्ट जारी करती सरकार ने तमाम उस फारसी किताबों लिखिया कि जिन्हें मुकबर हजरात थे मुकबर हजरात उन्होंने सबनों अलर्ट कर दिता गया भाई चक नानकी गुरु तेग बहादुर पातशाह और उत्थे जाण वाले जिन्हें भी लोग ने उन्हां दी नकलो हरकत ते नज़र रखी जाए। ये जड़ा पिंड क्योंकि रंगड़ा दा सी मुसलमान रंगड़ा दा मलकपुर रंगड़ा उत्थों दे कुछ रंगड़ भी मुकबर सन पुलिस दे ते ओह कोतवाल रोपड़ नूं मिर्जा नूर मुहम्मद खान ही वाज कोतवाल उन्हूं रिपोर्ट करते रहिंदे सी। इतफाक यह होया कि पहली रात नौवें पातशाह नगाइए की बेनती ते मलकपुर रंगड़ा रुक गए उन्होंने नाल भाई बतीदास सतीदास ते भाई दयाला सन। अद्धी क रात वेले महाराज नू प्यास लगी ते वो भाई मतीदास नू कहन लगे जल छकाओ ओ गड़बे चो जल देन लगे कहन लगे नहीं शीतल जल लेके आओ खूह विचो ते ओ ठंडा पानी लैन वास्ते जदो पिंड दे गब्बे खूह है वो पानी लैन लगे टिंडा राही ते उन्हां दा पैर तिसल गया एंड ही फैल इन टू द वेल। वो दड़म करके शोर पिया गर्मियां दा समा सी कुछ लोग कोठियां ते पए सी कुछ लोग खूह दे नेड़े सुते सारे उठ खड़े वो कहन लगे बंदा डिग गया बंदा डिग गया ते बंदा कढ़िया बंदे नूं पुछिया तू कौन आ क्योंकि उपरे बंदे सी उन्होंने कहा भी असी तो भाई नगाइए दे घर ठहरे हुए हैं तो उत्थे नौवें पातशाह भी ठहरे हुए ने फिर वो भाई मतीदास नूं पढ़ के नगाइए दे लै गए। नगाइए ने कहा भी हाँ ये साडे मेहमान ने नौवें पातशाह ठहरे हुए ने ये उन्हां दे हमराह उन्हां दे सेवक सिंह आए ने। वो जदों इस गल का पता लग्या कि नौवें पातशाह दिल्ली नूं जा रहे ने ते रात वो नगाइए दे ठहरे वो जिहड़े उस पिंड दे मुकबर सी उन्होंने रोपड़ दे कोतवाल नूं इतलाह करती घोड़े ते गए जाके उन्हूं दस्या ते कोतवाल ने अपने बंदे लैके नौवें पातशाह नूं हिरासत लै लिया नाल ही भाई बतीदास सतीदास ते भाई दयाला ते इत्थे इतलाह दे दित्ती इतों हुक्म गया कि इन्हां नूं तुसीं सरहंद लै आओ फतेहगढ़ साहब तां बाद च बनदा ना फिर उन्हां नूं लियांदा ते हाकम ए वक्त ने ये हुक्म फरमाया कि इन्हां नूं बसी दी हवालात च बंद कर दिओ ते असी बादशाह शहनशाह दे अगले हुक्मां दी उडीक करदे हां जिवें उह कहणगे तिवें होएगा। उन्हें फिर एक मुरासला ब्रूए इतलाह इत्थों रवाना किया जिन्हें लाहौर जाके गवर्नर नूं इतलाह दित्ती। लाहौर तो गवर्नर ने फिर एक मुरासला दिल्ली शहनशाह वक्त औरंगजेब नूं भेजिया। औरंगजेब ने कोल जदों इह सुनेहा पहुंचिया तो उन्हें कहा इनको आने दो आउण दिओ इन्हां नूं ते वो जद हुक्म वापस आया
इस गल नूं लगभग 3.5 महीने लग गए। वो समा महाराज ने इस बसी दी पुरातन जेल दी हवालात विच गुजारिया। उस तो बाद उन्होंने जाने की आग्या मिली। तो जिन्हें तुसी गुरद्वारा साहबान इस इलाके च देखोगे नौवीं पातशाही दे, ये सारी उन्हों दा दिल्ली नूं जाण वेले दे सफर दे स्थान ने। और साढ़े जिले च इत्थे बहुत सारे गुरद्वारे ने, उत्थों निकल के आनंदपुर कलौड़ है, पमौर है, तो इधर 3-4 पिंड ने नौवें पातशाह दे स्थान ने। ते ये मैं जिक्र इस करके कीता है कि जदों माता नानकी नूं यह पता लग्या कि गुरु साहब नूं गिरफ्तार करके किते बसी किसे हवालात च रखिया है, फिर उन्होंने सरहंद शहर च जिहड़ी उम्मत सीगी उन्हां दी, उन्हां नूं सुनेहे घल्ले भी मैनूं सारा पता करके दसो भी उह किथे ने। उन्होंने फिर छिबर परिवार, इत्थे काफ़ी परिवार ऐसे सी, फिर उन्होंने सारा पता करके माता नानकी जी नूं इतलाह दित्ती भी वह बसी पठाना जेल च हैगे ने। और ये सारे हवाले उस वेले दियां पट वहीआं च बकायदा तस्दीकशुदा हवाले मिलते हैं, जिदे आधार ते हिस्टोरियन जिहड़े ने वो अगे खोज करते हैं।